बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर फैमिलीज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें स्टडीज़ को, एलिमेंट्स की स्टडीज़ को आसान बनाने के लिए उसको कुछ और ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है। और उनके कुछ मतलब ग्रुप से मुराद ये है कि कुछ ग्रुप्स के कलेक्टिव नेम है, मिला के कुछ ग्रुप को नाम दिए गए हैं और उनको हम कहते हैं फैमिलीज। ठीक है, इनमें से इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या हैं? ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। और ये कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेशियम। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल की डायग्राम में। आप देखें कि ये वाला जो ग्रुप है ये फर्स्ट ए है, ठीक है, और इसको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेशियम इसके मेम्बर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड फैमिली है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं? ग्रुप सेकंड ए के जो मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप सेकंड ए कौन सा है? ये आप इस डायग्राम में देखें, ये वाला ग्रुप जो है ये सेकंड ए है, इसके मेंबर्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? बेरीलियम है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये है ग्रुप सेकंड ए यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मेंबर्स। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास फैमिली है वो है चैल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन फैमिली क्या है कि जो ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं चैल्कोजन। चैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, ओर्स बनाने वाले। ओर्स क्या हैं? जब हम मेटल्स को ज़मीन से निकालते हैं, धातुओं को, मादनियात को ज़मीन से निकालते हैं, तो उस वक्त वो जिस शक्ल में होते हैं, जिस कंपाउंड में होते हैं, उनको हम कहते हैं ओर्स। ज़मीन से निकलने वाली जो धातें हैं ना, उनको हम ओर्स कहते हैं। अब इसमें जो है, अक्सर जो ओर्स हैं, अक्सर कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन या सल्फ़र ज़रूर मौजूद होती है। यानी आप देखें कार्बोनेट्स की शक्ल में, बाई कार्बोनेट, सल्फेट की शक्ल में मौजूद होते हैं ये अक्सर जो ओर्स हैं। इसीलिए जो ये ग्रुप फोर्थ सॉरी ये ग्रुप सिक्स्थ ए है इसके एलिमेंट्स को हम चैल्कोजिन्स भी कहते हैं। चैल्कोजिन मीन ओर फॉर्मिंग। पीरियोडिक टेबल की डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपका है ग्रुप सिक्स्थ ए। चैल्कोजिन इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर अक्सर ओर्स का हिस्सा होते हैं। और इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये चैल्कोजिन फैमिली के मेंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट फैमिली है हैलोजिन फैमिली, जिससे आप सारे ही फेमिलियर हैं कि ग्रुप सेवन थे जो है इसको हम हैलोजिन्स भी कहते हैं। हैलोजिन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, और इसमें जो है यानी सॉल्ट्स बनाने वाले, अक्सर सॉल्ट्स लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये उनका पार्ट होते हैं, इसीलिए हम इनको सॉल्ट फॉर्मिंग भी कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप सेवन्थ ए है हैलोजिन फैमिली। मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टरटीन। ठीक है, ये हमारे पास मेंबर्स हैं हैलोजिन फैमिली के। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली पीरियोडिक टेबल में कौन सी है? नेक्स्ट फैमिली है नोबल गैसेस, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। जो हमारे पास ग्रुप एट्थ ए है, ग्रुप एट्थ ए जो है, ग्रुप एट्थ ए इसको हम ग्रुप ज़ीरो भी कहते हैं। ठीक है, इनके हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस हम इसलिए इनको कहते हैं कि इनका ऑक्टेट यानी वैलेंस शेल कंप्लीट होता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। ये है हमारा ग्रुप एट्थ ए, जो इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप एट्थ ए है वैसे ये, और इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। मेंबर्स कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। और इस ग्रुप का या इस फैमिली का क्या नाम है? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ठीक है,
इसके बाद पीरियोडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, ठीक है। एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में, दे आर क्लासिफाइड इनटू फोर ब्लॉक्स, चार ब्लॉक्स में इनको तकसीम किया गया है। और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, वैके उनकी जो इस बेस पे है कि किसी भी एलिमेंट का कौन सा वैलेंस ऑर्बिटल है जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। आपको पता है आपने अब तक जो ऑर्बिटल्स पढ़े हुए हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, एस पी डी एंड एफ, ये वाले ऑर्बिटल्स आपने पढ़े हैं। तो अब इनमें से जो भी ऑर्बिटल किसी एलिमेंट का बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, इस बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो क्योंकि आपने चार ऑर्बिटल्स पढ़े हुए हैं, तो चार ही ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम इनको बारी बारी देखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए जो हैं, इनको हम कहते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए के और सेकेंड ए के मेंबर्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों इनको एस ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एस ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, और एस ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनाते हुए इस्तेमाल होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल की डायग्राम में देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ये दोनों ग्रुप्स मिला के ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और इसमें जो है आपको इन दोनों के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मिलेंगे, और बॉन्ड बनाने में भी इनका एस ऑर्बिटल ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक के जो मेंबर हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, और ये बॉन्ड बनाने में पी ऑर्बिटल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल की डायग्राम में देख सकते हैं, थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक, ये सारे का सारा जो है इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारे पास वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, और उनके बॉन्ड बनाने में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल की डायग्राम में देखें तो ये जो सेंटर में सेकेंड बी वाले ये जितने मेम्बर्स हैं, ये सब ये जो सेंटर में मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होते हैं, और बॉन्ड बनाने में इनका डी ऑर्बिटल ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन जो है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, जैसा कि आपको बॉटम पे आपको पता है कि दो लाइनें मौजूद हैं एलिमेंट्स की, जिनको हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में होते हैं, और ये बॉन्ड बनाने में एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप पीरियोडिक टेबल की डायग्राम में देखें तो ये जो आपको बॉटम पे ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये थी ब्लॉक की बेस पे क्लासिफिकेशन के चार ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, एस पी डी एंड एफ, ठीक है। अच्छा, ये तो थे ब्लॉक्स एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स मौजूद हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल जो है उसमें मज़ीद कुछ जो है वो ग्रुप्स हैं उनको भी हम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है इट इज़ आल्सो क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स क्या हैं, किन एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं। मेटल्स जो हैं दे हैव लस्टर एंड गुड शाइन, यानी गुड शाइन इनकी चमकदार सतह होती है, शाइनी सतह होती है, और लस्टर से मुराद ये है कि जब किसी मेटल को फ्रेशली काटा जाता है तो उस वक्त वो बहुत शाइनी अपीयर होता है, उसको हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। इसके अलावा एलिमेंट मेटल्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मेटल्स आर मलिएबल, मलिएबल एंड डक्टाइल। मलिएबल का क्या मतलब होता है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स,
यानी जब हम इस पे प्रेशर डालते हैं, इसको स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मीन इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स. मैटर को वायर्स में, तारों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. इसके अलावा ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आप मैट्रिक से ही पढ़ चुके हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं. और इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर से मुराद ये है कि इनकी पीएच बेसिक होती है, बेसिस होते हैं ये 7 से ज़्यादा. और व्हेन व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर और दे डिजॉल्व इन वाटर, दे गिव बेसिस. पानी में हल होके ये बेसिस देते हैं, यानी अल्कलीज देते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है. और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में हल किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि एक बेस है. इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व होके इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है. उसके बाद मेटल की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. मेटल जो है आराम से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं? पॉजिटिव आयन में. ये एम जो है ये किसी भी मेटल को जाहिर कर रहा है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम. इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी मेटल के आयन में चेंज हो गया और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया. और आप एक बात नोट करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स की तादाद है वो मेटल्स हैं, यानी मेटल्स जो हैं वो तादाद में सबसे ज़्यादा हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर आप नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स जो हैं दे हैव नो लस्टर, यानी उनमें कोई लस्टर या शाइन नहीं होती. सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. सॉलिड नॉन मेटल्स जो हैं ये ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल किसको कहते हैं? कि जब हम इन पे प्रेशर अप्लाई करें या स्ट्रेस अप्लाई करें तो ये टूट फूट जाते हैं, पीसेज में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद ऑल नॉन मेटल्स आर पुअर और नॉन कंडक्टर. सारे जो नॉन मेटल्स हैं या तो वो नॉन कंडक्टर हैं, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, या फिर पुअर कंडक्टर्स हैं, यानी अगर कंडक्ट करते भी हैं तो बहुत कम. ऑल नॉन मेटल फॉर्म बेसिक एसिडिक ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं तो वो ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? एसिडिक. और जब हम उन ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? फिर हमारे पास जो है, जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, एसिड बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें आप ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने जो ऑक्साइड बनाया है वाटर में डिसॉल्व होके इसने बना दिया नाइट्रिक एसिड. सल्फर का ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस का ऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड. ये अच्छा, सल्फर के एक से ज़्यादा ऑक्साइड्स हैं. ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ये सल्फर डाई ऑक्साइड. तो सल्फर जो ट्राई ऑक्साइड है इसने वाटर में डिसॉल्व होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, जबकि जो सल्फर डाई ऑक्साइड है इसने इसमें वाटर में डिसॉल्व होके सॉल्ट और वाटर बनाया है. तो जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये या तो एसिड रिएक्ट बनाते हैं या फिर सॉल्ट और वाटर. ठीक है, उसके बाद अच्छा सॉरी क्लास, ये आपका है कि व्हेन दे आर रिएक्टेड विद बेसिस, बेस के साथ इनका रिएक्शन जो है ये टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, सम नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन. यानी नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो हाई होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नेगेटिव आयन बनाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर्स ऑफ मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स. मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं. मेटलॉइड्स क्या हैं? पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट हैं, दरमियान में हैं किसके? मेटल और नॉन मेटल के. यानी जिनकी कैरेक्टरिस्टिक मेटल्स और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट हैं या दरमियान में हैं, उनको हम मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स भी कहते हैं. अब मेटलॉइड्स जो हैं या सेमी मेटल्स जो हैं ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ मौजूद हैं?
ये जो डायगनल लाइन है बोरॉन से लेकर एस्टाटीन तक, जो डायगनल यानी तिरछी जो लाइन जाती है इस तरह से, उसमें मौजूद है। और ये सिवाय एल्यूमिनियम के, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल की डायग्राम में दिखाती हूँ, ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ये चीज़ है ये, ठीक है, ये इस तरफ आपके पास ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और ये जो डायगनल लाइन, ये तिरछी तिरछी लाइन हमारे पास आ रही है दरमियान में, ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। डायगनल यानी तिरछी लाइन है, ये सारे जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं, इस तरफ सारे नॉन मेटल्स हैं। यानी सिंपली अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड, पीरियोडिक टेबल का सेंटर और पीरियोडिक टेबल का बॉटम, लेफ्ट साइड सेंटर और बॉटम में, ठीक है, यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं मेटल्स, ठीक है। राइट साइड और टॉप पे मौजूद हैं नॉन मेटल्स, और दोनों के इंटरमीडिएट डायगनल लाइन में मौजूद हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। तो ये थी पीरियोडिक टेबल में हमारी कुछ और जो है वो क्लासिफिकेशंस और फैमिलीज जो के मौजूद हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो मेटलॉइड्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो मेटलॉइड्स जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसको कहते हैं जो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करे, और जब बेस के साथ रिएक्ट करे तो एज एसिड बिहेव करे, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एंड दे हैव लेस कंडक्टिविटी देन मेटल एंड ग्रेटर देन नॉन मेटल। यानी इनकी जो मेटलॉइड्स हैं इनकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में है, मेटल्स के मुकाबले में कम जबकि नॉन मेटल से ज़्यादा। और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं मेटलॉइड्स की कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ये अगेन पीरियोडिक टेबल में वही आपको बताया गया है कि मेटल्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके जो हैं वो मेटल्स हैं कहाँ मौजूद हैं, आपके लेफ्ट साइड पे, सेंटर पे, बॉटम में, राइट और टॉप पे नॉन मेटल्स हैं, और दरमियान में ये जो डायगनल लाइन है इस तरह से, ये डायगनल जो लाइन मौजूद है यहाँ पे हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।